सियासी हल्के हैं वो क्या सोच रहे हैं। डेमोक्रेट ये सोच रहे हैं इस वक्त के, जिस तरह मैंने आपको पहले जो कुछ पॉइंट बताए हैं कि हम अपना अपने अपना सारा इंटरेस्ट इंडिया वाच करेगा, एक तीर से दो शिकार करेंगे, हम इंडिया को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो चाइना को भी डिलीवर, चाइना भी डिलीवर करेगा, हमें अफगानिस्तान भी डिलीवर वही करेगा, बल्कि वो पूरा रीजन उसको मिनी सुपर पावर बनाएंगे जो पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकता है। सलामती कौंसिल की मेंबरशिप है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना और उसको इंडिया के स्टैचर को और मजीद बड़ा करना, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। ये डेमोक्रेट के ये माइंडसेट है और उसको मैं साथ आर्गुमेंट ये दूंगा, सपोर्टिंग आर्गुमेंट, क्योंकि इस वक्त इंडिया में, अमेरिका में इंडियन लॉबी इज राइट बिहाइंड इसराइल की लॉबी से। इस वक्त वो जो इंडियन डायस्पोरा, इंडियन जो सेकंड जनरेशन लोग हैं उनका कंट्रोल है व्हाइट हाउस पे, वो उस तरीके से मैं, मेरा सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये होगा। अब उसके बाद जो रिपब्लिकन है वो यहाँ पे मैंने कुछ सेनेटर और कांग्रेस मैन उनको ये बयान देते सुना है कि वो विल हेल्ड जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल इन द फ्यूचर, कि जिस लापरवाही के साथ ये निकले वहां से, आपने जिस तरह देखा होगा बागराम एयरपोर्ट से रात के टाइम लाइटें ऑफ करके वो जहाजों में वहां से निकले हैं, बल्कि वहां पे 5,000 तालिबान प्रिजनर छोड़ के आ गए और बड़े कंटेनर छोड़ के आए हैं वहां पे जिनके अंदर आर्मामेंट्स मौजूद थे। ये यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी के लोग ये समझते हैं कि दे वर नॉट केयरफुल, दे वर नॉट टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, और सियासी हल भी वहां छोड़ के नहीं है। अगर तालिबान इतनी स्पीड के साथ उसको टेक ओवर कर रहे थे तो उनको चाहिए था कि वहां पे उसका कुछ सियासी हल निकालते, रिवाइज किया जाता दोहा एग्रीमेंट। ये रिपब्लिकन पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो जनरल इस वक्त यहाँ पे हालात ये है कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे आर केयरलेस, उसकी वजह ये कंट्री इज डिवाइडेड ऑन ब्लैक लाइव मैटर और व्हाइट्स के दरमियान, इतनी बड़ी दीवार है और दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप प्रोवाइड करने से कासर है, वो यूनाइट करने से कासर है, बल्कि वो यूनाइट करना भी नहीं चाहती, वो इसको मजीद डिवाइड करना चाहती है, जिसके रिजल्ट आप देख लेंगे। हमारा मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है 2022 में, उसमें नजर आ रहा है अभी तक कि उसमें जो रिपब्लिकन पार्टी है वो हाउस, सेनेट या दोनों में अपनी बढ़तरी वापस हासिल कर लेंगे, और ये ऑलमोस्ट व्हाटएवर दे आर डूइंग राइट नाउ द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और इंपैक्ट ऑफ कोरोना और इंपैक्ट ऑफ दूसरी चीजों के 2024 में, इस वक्त हमारी जो वॉशिंगटन डीसी में एडमिनिस्ट्रेशन है उनके हालात में थोड़े से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में जो कैमला हैरिस है वो भी 2024 के इलेक्शन में इंटरेस्टेड है, और वहां पर ये भी रूमर उड़ रहे हैं कि बाइडन साहब 2024 का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे अपनी सेहत की वजह से या पोलिटिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से। तो रिपब्लिकन भी अपने पूरे जोर पर हैं और वो ये समझते हैं कि 2024 में वो विल कम बैक। तो उसमें अब रिपब्लिकन आते हैं, तो मैं यहां ये भी थोड़ा सा एक टिप ऑफ द थोड़ा बताना चाहूंगा कि जो डिफेंस फॉरेन पॉलिसी, इट गोज टू द रिपब्लिकन साइड, क्योंकि दे वांट, जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप साहब का था कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ, वो चाहते हैं कि आर्मी अमेरिका की स्ट्रांग हो, उसका बजट इंक्रीज किया जाए, अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी की रिस्पेक्ट हो, ये सारी चीजें रिपब्लिकन मैंडेट या रिपब्लिकन एजेंडा होता है, डेमोक्रेट्स दे आर केयरलेस अबाउट इट। तो ये मेरा एक तजिया था कि अमेरिका इस वक्त क्या सोच रहा है अफगानिस्तान के बारे में और आगे आने वाले दिन क्या डिफाइन करते हैं। सोच अगर ऑन द ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो चाइना इज इंटरेस्टेड इन गोइंग टू अफगानिस्तान और उसमें पाकिस्तान इज प्लेइंग अ मेन रोल, मेजर रोल, और उसमें चाइना एंड रशिया मैटर फैक्ट बोथ आर द कंट्रीज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा तार साहब, एक क्योंकि आप डिफरेंट स्टेक होल्डर से मिलते रहते हैं और आपने एक बड़ा होलिस्टिक सा एनालिसिस दिया है कि डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, वो पॉलिटिक्स हो, जर्नलिस्ट हो, सिविल सोसाइटी हो, जो बाकी सोसाइटी है, वो किस तरह चीजों को इस वक्त देख रहे हैं, खासकर पाक, यूएस और ये अफगानिस्तान के हवाले से भी। लेकिन सर ये जरा बताइएगा कि जब व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के इमरान खान ने कहा हम सर्विसेज दे दे के मर गए, हमारी लाशें गिरती रही, हमारे बंदे मरते रहे, हमारा अरबों डॉलर का नुकसान हो गया, और आज अमरीका जाते हुए हम पे इल्जाम दे रहा है, हमें तो वो थैंक यू नहीं बोल रहे, तो और दूसरा हम पे ये इल्जाम लगाते रहते हैं, डबल गेम करके पाकिस्तान और
कोई नैरेटिव उन्होंने मिला दिया आपको अफगानी की हमें डबल गेम कहते रहते हैं, फॉरगेट द अमेरिकन्स। तो और दूसरा जो आप बता रहे हैं कि व्हाइट हाउस में जिस तरह इंडियंस का बड़ा इन्फ्लुएंस है, या इंडियंस वन वे और दी अदर जो बड़े बड़े टेक फर्म्स में उनका इन्फ्लुएंस है, या वैसे बाइडन हैरिस ने उनको हायर किया है फॉर रनिंग देयर ओन जो एग्जीक्यूटिव के अफेयर्स हैं, आप कैसे देखते हैं कि ये जो पाकिस्तान के बारे में जो डबल गेम की बात कर रहा है अमेरिका, और जो इमरान खान साहब ने रिसेंटली पॉलिसी स्टेटमेंट पार्लियामेंट में खड़े होकर बड़े बड़े नारे मार दिए, आप इसको कैसे देखते हैं कि अमेरिकन जो अवाम है, लोग है, वो भी इसी तरह पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं, या कि वो बॉदर ही नहीं करते कि क्या हो रहा है, लेकिन ये तासुर अभी किस हद तक स्ट्रांग है कि पाकिस्तान ने शायद अमेरिका की मदद नहीं की अफगानिस्तान में, वरना कई लोगों का कहना है अगर पाकिस्तान फुली मदद करता जो कि पाकिस्तान कहते हैं हमने की है, तो शायद जो है वो अमेरिका जाकर अफगानिस्तान में जीत जाता। ये मैं स्ट्रेच मतलब मेरी इट्स अ वेरी वेग, इट्स अ वेरी ह्यूज क्वेश्चन, लेकिन इस पे भी मैं कोशिश करूंगा कि अपने कुछ पॉइंट्स के जरिए इसको कवर करने की कोशिश करूं, वो इस तरीके से। सबसे पहला इसका जो पॉइंट है, यहां पे अमेरिका ये समझता है कि आप उसामा बिन लादन, बिलखसूस जब उसामा बिन लादन का पाकिस्तान से पकड़ा जाना सबसे बड़ा शॉकिंग वो था, उसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तान के कमर चीमा और अमेरिकन पाकिस्तानी साजिद तरार बात कर रहे थे भारत की क्या सिचुएशन रहेगी अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद। आपको पता है कि अमेरिका से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से अमेरिका बहुत जल्द निकलने वाला है, जिसके बाद कुछ ऐसा माहौल बनेगा कि पाकिस्तान चाहेगा कि अफ़गानिस्तान में किसी ना किसी तरीके से तालिबान की हुकूमत आ जाए, और चाइना भी ऐसा ही चाहेगा। तो चाइना अफ़गानिस्तान में अपना हिस्सा तलाश रहा है, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली, लेकिन बात ऐसी कुछ है कि आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान से इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं कि काबुल में अगर टैक्सी में कोई पाकिस्तानी जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, और वो बता दे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो उसके प्रति एक अजीब तरीके की घृणा देखी जाती है। ऐसा पाकिस्तानी मीडिया ही क्लेम कर चुका है। और पाकिस्तान से नफरत करने का रीज़न ये है कि अफ़गानिस्तान के लोग समझते हैं कि जो बर्बाद हुआ है अफ़गानिस्तान, उसका मेन रीज़न है केवल और केवल पाकिस्तान, जिसने दिया अमेरिका का खुलकर साथ, अमेरिका को हथियार वगैरह की सप्लाई की। तो अफ़गानिस्तान के लोग भारत से एक अजीब तरीके का प्रेम करते हैं, मतलब एक अदृश्य प्यार है, जो कि मतलब भारत ने जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, स्कूल बनवाए, पार्लियामेंट बनवाई, बहुत सारी चीज़ें बनवाई। तो यहाँ पर साजिद तरार का कहना है कि अमेरिका भारत पर अब इन्वेस्ट करेगा, भारत को एक मिनी सुपर पावर बनाने की कोशिश करेगा, जिससे कि होगा ऐसा कुछ कि भारत चीन को काउंटर करे, साथ साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी कुछ ना कुछ हेल्प करे। तो इस तरीके का एनालिसिस किया है साजिद तरार ने। साजिद तरार आपको बता दो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के हैं और उन्हीं को सपोर्ट करते थे, और उनके लिए ये मुस्लिम मतलब फ्रंट के कैंपेनर भी थे। तो दोस्तों ये वीडियो ख़त्म होता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।